बांग्लादेश की बात करेंगे जहां हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के शमशान घाट को अब निशाना बनाया है। हिंदुओं के शमशान घाट में तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के शमशान घाट में तोड़फोड़ की है। वहां पर जो पूजा अर्चना के लिए एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था उसको भी तोड़ डाला गया है और तोड़फोड़ का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। हालांकि कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके आश्वासन दिया था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये कैसी सुरक्षा मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है अल्पसंख्यकों की, इस तस्वीर को देखकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मगुरा जिले में गौशाला लूटने का मामला सामने आया है। यहां सैकड़ों कट्टरपंथियों ने एक गौशाला पर हमला बोल दिया और करीब 60 गायों को लूट कर ले गए। स्वप्न ठाकुर नाम के शख्स ने इस गौशाला का निर्माण कराया था और स्वप्न ठाकुर और उनकी पत्नी इस गौशाला की देखभाल करते थे, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने किस कदर आतंक मचाया हुआ, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का एक बड़ा बयान सामने आया है। अपने पहले भाषण में मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या शरणार्थियों का समर्थन करते हुए मदद देने का वादा किया है। मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या अधिकारों की रक्षा के लिए बांग्लादेश की प्रतिबद्धता दोहराने की बात भी की है। तो रोहिंग्याओं को मानवीय सहायता देंगे। हालांकि भारत में ये रोहिंग्या शरणार्थी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने बड़ा ऐलान किया है, रोहिंग्या शरणार्थियों का हम समर्थन करेंगे। अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर यह एक बड़ा ऐलान मोहम्मद यूनुस ने किया है। मोहम्मद यूनुस ने जो ऐलान किया है उसके तहत रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करेंगे, रोहिंग्या शरणार्थियों का समर्थन करेंगे, रोहिंग्याओं को मानवीय सहायता देंगे। ये मोहम्मद यूनुस ने बड़ा बयान दिया है।